मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टू, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और पहले चैप्टर वन में आप स्टडी कर चुके हैं इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, और उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा है, देखिए उसको जस्ट रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? यदि आपको जो एक फंक्शन दिया हुआ है ना, किसी एक सेट ए से और दूसरे सेट बी में, और वो वन वन और ऑन टू फंक्शन है, ध्यान दीजिए एक फंक्शन है एफ है, तो वन वन और ऑन टू दिया हुआ है सेट ए से बी में, तो एक दूसरा फंक्शन जो जी होता है, जो बी से ए में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। किसका? इस फंक्शन एफ का। अब कब कहेंगे? जब ये शर्त पूरी हो जाएगी। शर्त क्या है? फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, बी के जो है एवरी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज, क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए, जो है एवरी एलिमेंट बी के लिए एक यूनिक इमेज आती है, किसके अंदर? ए के अंदर। अब जब एवरी एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज आएगी, तो फिर इसका मतलब जो दूसरा फंक्शन है हमारा जी वाला, ये भी वन वन ऑन टू हो जाएगा फिर, ठीक है? तो एक फंक्शन एफ दे रखा हो, वो वन वन ऑन टू हो, और उसकी आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि उसकी डोमेन जो है, और डोमेन और जो रेंज है उसको अगर हम इंटरचेंज कर दें, तो जो दूसरा फंक्शन हमें प्राप्त होता है वन वन और ऑन टू के फॉर्म में, उसे हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। आप यहाँ से इसको जब समझ सकते हैं, ये देखिए फंक्शन एफ है ए से बी में, ये वन वन और ऑन टू फंक्शन है, ठीक है? तो वन वन है, तो यहाँ से ईच जो है, ईच एलिमेंट जो एक्स है उसकी यहाँ पर इमेज आएगी, ये ऑन टू भी है, तो यहाँ पर जो ईच एलिमेंट होगा उसकी प्री इमेज यहाँ मौजूद होगी, ठीक है? और इसका हम जो है एक फंक्शन और लेते हैं, जिसके में हम क्या करते हैं कि जो इसकी कोडोमेन है बी जो है, और डोमेन है, वो दोनों इक्वल लेकर के हम यहाँ पर जो है एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं जी नाम से, ये देखिए, जिसको हम एफ इनवर्स नाम भी दे सकते हैं और जी भी दे सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन जो है हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है? सेट बी से सेट ए में। कैसे डिफाइन किया है? हमने इनकी क्या किया है कि जो रेंज है और जो डोमेन है उसको हमने इंटरचेंज कर दिया। देखिए फंक्शन एफ की रेंज तो क्या है? ये है बी सेट है, डोमेन इसका सेट ए है, लेकिन फंक्शन जो जी है उसकी डोमेन तो क्या है? बी सेट है, और रेंज क्या है? ये सेट ए है। तो जब ऐसा केस हो जाता है कि एक किसी एक फंक्शन की जो है रेंज और डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो जो नया फंक्शन आपको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो गिवन फंक्शन है वो पहले से ही वन वन ऑन टू होना चाहिए, और दूसरा फंक्शन है वो भी वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो हम शॉर्ट में देखो ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन हम ऑब्टेन करते हैं कैसे? इंटरचेंज करके डोमेन और रेंज को, वो हमारा क्या कहलाता है? इनवर्स फंक्शन कहलाता है। और जो हमें फंक्शन ऑब्टेन होता है, जो इनवर्स फंक्शन होता है, वो भी वन वन ऑन टू होता है। तो देखिए मैंने लिखा है, यदि एक एफ कोई एक फंक्शन है, दूसरे से इसको ऐसे समझा सकते हैं, और ये वन वन और ऑन टू है, तो एफ इनवर्स भी जो है एक फंक्शन होगा जो बी से ए में होगा, यानी कि इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, और इस तरह से रहेगा कि एफ एक्स इक्वल टू तो वाई आएगा। कब आएगा? इफ़ एंड ओनली इफ जो है जी वाई या एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो, ठीक है? और ये देखिए मैंने ऊपर भी लिखा है, दूसरा फंक्शन जो होता है जी वाला, वो भी वन वन ऑन टू होना होता है, और उस केस में क्या होता है कि जो एफ की जो रेंज होती है, देखो मैंने लिखा है रेंज ऑफ एफ ये रहा, बराबर होती है डोमेन ऑफ जी, ये देखो जी फंक्शन की डोमेन और एफ फंक्शन की रेंज इक्वल होती है। यहाँ पर देखो मैंने ये भी समझा दिया है, फंक्शन एफ की डोमेन और जी फंक्शन की रेंज, ये देखिए ये भी इक्वल होती है। तो दोनों ही फंक्शन क्या हो? वन वन ऑन टू हो, और डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो फंक्शन जो ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाता है? आपका इनवर्स फंक्शन कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में। देखिए मेरे पास अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इतना है, सेट बी इतना है, ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन है जो ये है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, ठीक है? तो अब हम जो है फाइंड करेंगे, फंक्शन एफ भी निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स भी निकालेंगे। तो देखिए फंक्शन एफ हमने निकाला है, ये आया वन से टू, टू से फोर, थ्री से सिक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है कि वाई इक्वल टू टू एक्स, यानी कि डबल का रिलेशन है। अब हम इसका इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो रेंज के जो आंसर आ रहे हैं वो क्या करेंगे? हम उन सबको डोमेन बना देंगे। देखिए टू फोर सिक्स डोमेन बना दी हमने, और जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगी, तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया। तो किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो है क्या होता है? फंक्शन ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ डोमेन एंड रेंज। और किस फंक्शन का जो है आपको डोमेन और रेंज चेंज करना है? उस फंक्शन का जो पहले से वन वन और ऑन टू हो। तो किसी वन वन ऑन टू फंक्शन का जो है डोमेन और रेंज चेंज करके जो फंक्शन मिलता है उसे हम क्या कह देते हैं? इनवर्स फंक्शन कह देते हैं।
अब आप जो अच्छे समझ जाएंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, साइन कोस टेन कोट ना, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनका इन्वर्स निकालना है बड़ा आसान है। देखिए मान लीजिए एक फंक्शन एफ है, वो आर वन से आर टू में डिफाइन है, आर वन आर टू रियल नंबर के सेट हैं, और ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो है ना, ऑफ दिस फंक्शन वी सी दैट इट इज मैनी वन, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। यानी कि जो डोमेन है उसमें हम मैनी एलिमेंट लेते हैं, लेकिन आंसर तो जो है क्या आता है, वन वन ही आंसर आता है, एक सेम आंसर आता है, बहुत सारे एलिमेंट का सेम आंसर आता है, दूसरे जो है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का भी सेम आंसर आता है, तो ये मैनी वन है, ठीक है। और ये ऑन टू भी रहता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनी वन कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया इसका, एक्स इक्वल टू जीरो लेते हो तो देखिए यहाँ पर जीरो आंसर है, और लेकिन जब x इक्वल टू आप पाई बाई टू लेते हो तो y इक्वल टू देखिए ये आ गया वन आ गया, फिर आप पाई लेते हो फिर जीरो आ जाता है, फिर आप जो है ये थ्री पाई बाई टू लेते हो फिर माइनस वन आ जाता है, फिर टू पाई लेते हो फिर जीरो आ जाता है। तो इसकी जो आप देख रहे हैं कि जो आंसर है यानी कि जो इसका रेंज है वो वन और माइनस वन, वन और माइनस वन के बीच में रहता है, या कह सकते हैं फ्रॉम वन से माइनस वन तक रहता है। तो इसलिए ये क्या है, मैनी वन फंक्शन हो गया। हम जो है एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं लेकिन जो रेंज है वो वन और माइनस वन ही आती है, इसलिए मैनी वन फंक्शन है। लेकिन ये ऑन टू भी है क्योंकि वन और माइनस वन जो है उनके हमारे पास क्या है, प्री इमेज मौजूद है, तो ये ऑन टू भी है। लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये मैनी वन और ऑन टू है, तो इसका जो है अगर हम चाहते हैं इन्वर्स बनाना, तो हमारा जो रूल है इन्वर्स बनाने का वो ये है कि जिस फंक्शन का आप इन्वर्स बनाना चाहते हो वो पहले से ही वन वन और ऑन टू होना चाहिए, लेकिन ये तो मैनी वन ऑन टू है, तो ऑन टू तो ठीक है, तो मैनी वन को हम क्या बनाएंगे, वन वन बनाएंगे। तो इसलिए इसके डोमेन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो डोमेन को देखो चेंज कर देते हैं। तो इस फंक्शन की रेंज हमारे पास क्या आ रही थी, माइनस वन वन, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। इसकी जो रेंज आ रही थी माइनस वन वन, वो जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो कोडोमेन और डोमेन है, कोडोमेन और सॉरी रेंज है, उसको इक्वल कर देते हैं। तो ये तो हो गया, ये इसकी रेंज हो गई और ये कोडोमेन हो गया। अब ये मैनी वन फंक्शन है, लेकिन अब इसकी डोमेन है उसको भी हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इफ़ यू टेक द डोमेन माइनस पाई बाई टू कर देते हैं, तो फंक्शन जो इस तरह का है, जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से लेकर के माइनस वन से वन में आ जाता है, तो ये फंक्शन देखिए अब वन वन और ऑन टू बन जाता है। कब हो गया ये वन वन ऑन टू, जब हमने इसकी डोमेन को कम कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कम कर दिया। तो जब इसकी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, तो उस केस में ये फंक्शन जो है साइन एक्स वन वन ऑन टू बन जाता है। अब ये फंक्शन जो है वन वन ऑन टू है, इस फॉर्मेट में है, जब इसकी डोमेन ये रहती है, रेंज ये रहती है, तो इसका इन्वर्स बड़ा आसान। अब इन्वर्स फंक्शन जो होगा इसका, वो क्या होगा, एफ इन्वर्स, और ये माइनस वन वन यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगी। तो नाउ इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स इज साइन इन्वर्स एक्स होगा, और उसकी डोमेन ये होगी और रेंज ये होगी, और इसको डिनोट इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। तो जस्ट हमने क्या किया, इसको डोमेन को रेंज बना दिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि पहले से ही वन वन ऑन टू है हमारे पास। तो वन वन ऑन टू फंक्शन हो तो उसकी डोमेन रेंज चेंज करके जो फंक्शन मिलता है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन है, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कैसा भी हो। तो स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो साइन फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वन वन और ऑन टू बन जाता है जब हम उसकी डोमेन ये करते हैं, लेकिन हम उसकी डोमेन इसके अलावा जो है ये दूसरी जो इंटरवल है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये इसकी जो दूसरी डोमेन है वो माइनस पाई बाई टू के अलावा ये भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि जो हम यहाँ पर पाई बाई टू लेते हैं साइन पाई बाई टू, उसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है, और साइन थ्री पाई बाई टू यानी कि 270 लेते हैं तब माइनस वन आती है। तो रेंज जो देखो वही आ रही है, वन और माइनस वन। यहाँ पर भी देखिए ये आ गई माइनस वन और ये हो जाएगी प्लस वन। तो इस तरह से रेंज वन और माइनस वन रहती है इन इंटरवल की भी। तो हम जो है डोमेन की के रूप में इन इंटरवल को भी ले सकते हैं, तब भी जो साइन फंक्शन है वन वन और ऑन टू रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये भी ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस पर तो क्या आएगी माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन, ये वन आती है माइनस वन हो जाएगा, तो अभी भी प्लस वन माइनस वन। तो रेंज जो है सेम रहती है अगर हम इन इंटरवल को लेते हैं तो, ठीक है। तो इनमें से किसी भी जो है इंटरवल को हम ले सकते हैं डोमेन के रूप में, साइन फंक्शन के डोमेन के रूप में, जरूरी नहीं यही लें, लेकिन हम जो है इसी को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को शो करता है। और इन सच केस देखिए इस तरह से ये एक सीक्वेंस बन गया है ना आपके पास, थ्री के साथ, फाइव के साथ, और यहाँ हम एन लगा दिया मैंने,
और एन बिलोंग्स, एन बिलोंग करता है किससे, जेड से, तो उस केस में भी ये फंक्शन क्या रहता है, वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्शन रहता है, अगर हम ये इंटरवल्स भी ले लेते हैं तो। आगे दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये, सिमिलरली इफ़ यू है ना रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, यदि हम डोमेन को है ना रिड्यूस कर दे, कम कर दे, किसके, जैसे हमने साइन फंक्शन के डोमेन को कम किया है ना, रियल नंबर से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कर दिया, वैसे हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम डोमेन को कम कर देते हैं ना किसी और फंक्शन की डोमेन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई और है उसकी डोमेन कम कर देंगे, तो वो भी जो है वन वन ऑन टू बन जाएगा, फिर उसका भी जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं, कैसे, उसकी डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देंगे। तो लाइक जैसे कॉस इन्वर्स है, टेन इन्वर्स है, ये कॉस का बन जाएगा, ये टेन का बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको समझ आ गया, आगे देखते हैं हमारे, हमको अब लास्ट क्या है कि लर्न करना है कि डोमेन और रेंज जो है क्या होती है किसकी, और उसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो आप तो ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जो रेंज होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उसको ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डोमेन है ये मैंने पहले डिफाइन किया था साइन इन्वर्स की, वो ये होती है और रेंज ये होती है, और रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह देते हैं, जो फर्स्ट रेंज जो हम यूज करते हैं, और रेंज भी हो सकती है, देखिए ये वाली भी हो सकती है, तो ये वाली सबसे फर्स्ट होती है, इसी को हम यूज करते हैं। तो ये कॉस इन्वर्स है, ये देखिए इसकी डोमेन और रेंज ये होगी, आपको सबकी डोमेन और रेंज बस याद करनी है, और बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं साइन फंक्शन माइनस वन से वन चलता है, कॉस माइनस वन से वन चलता है, जीरो से पाई होता है, तो ये बहुत आसान है याद करना, कोसेक आपको लर्न करना है। तो बस ये ध्यान रखिए कि क्यों है, कोसेक क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है इस पर, तो माइनस वन वन नहीं लेंगे, क्योंकि जो है ना कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन जीरो होता है, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ऐसे याद रखेंगे आप तो जीरो तो हटेगा फिर, तो इस रेंज में से जीरो हटा देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये तीन आपको याद हो जाएंगे, बाकी भी फिर याद हो जाएंगे। तो कोस है उसका लिंक किससे आएगा, कोट से, देखिए जीरो से पाई है कोट वाला, क्योंकि कोट जो होता है कोस अपॉन साइन होता है, इसलिए तो इसमें भी यही रहती है। बस ये ध्यान रखें कि जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, इनमें भी इंक्लूड नहीं है टेन के अंदर, क्यों, टेन साइन अपॉन कोस होता है, तो टेन का लिंक साइन से बनता है, कोट का कोस से बनता है, हो गया याद, बहुत आसान है। और सेक वन अपॉन कोस होता है, और वन अपॉन कोस पाई बाई टू करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए पाई बाई टू नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तीन लिंक कर ले, कोस सेक कोट, एक जैसी है उनकी रेंज, और साइन कोसेक और टेन इनकी रेंज एक जैसी है, ठीक है, हल्का सा वेरिएशन है वो आपको याद रह जाएगा। और अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू दैट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, रेंज बताई थी मैंने इस, तो वो वैल्यू जो इस रेंज के अंदर बिलोंग करती है, इस रेंज के अंदर वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो सबकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग होती है, किसके हिसाब से होती है, वो आपके यहाँ पर जो दे रखा होगा एंगल उसके हिसाब से होगी। तो देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, तो कोर्ट की जो है रेंज वाला ब्लॉक कौन सा है, देखिए जीरो से पाई के बीच में आनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू इसकी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले उसको वाई के इक्वल लेट करते हैं, फिर आपको दोनों साइड में क्या करना है, कोर्ट लेना है, कोर्ट लेकर के इधर ये कोर्ट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये कोर्ट वाई आ गया, कोर्ट पाई वाई थ्री हो गया। अब आपको ये देखना है कि कोर्ट नेगेटिव कहाँ का होता है, तो हम देखते हैं कि कोर्ट जो होता है नेगेटिव, जो आपका एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और एक इसमें होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो वी टेक सेकंड क्वाड्रेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है, सेकंड क्वाड्रेंट तक है, फोर्थ इसलिए लेते नहीं है, तो इसलिए हमने पाई माइनस पाई अपॉन थ्री लिखा है। तो टू पाई अपॉन थ्री आ गया, और ये टू पाई अपॉन थ्री इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू जो है उस इन्वर्स फंक्शन की रेंज के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। अब स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं, इसी तरह से आप जो है इस एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और आप फिर आसानी से कर पाएंगे। जरा इनको पहले देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने हर टाइप के कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, वाई इक्वल टू कोट कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो वापस दोनों तरफ क्या करेंगे, कोस ले लेंगे तो ये कोस इनवर्स हट जाएगा, ये आ गया। अब कोस में वैल्यू वन अपॉन टू कब होती है, साइन को छोड़ देना है आपको पहले, वन अपॉन टू कब होती है, सिक्सटी पर होती है, तो कोस सिक्सटी लिख दिया हमने। अब आपको देखना है कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, तो कोस नेगेटिव आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो कोस देखो नेगेटिव है, मैंने लिखा है इन थर्ड आल्सो, बट वी टेक सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कोस इनवर्स की जीरो से पाई है। अब जीरो से पाई है तो फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड ही लेंगे, इसलिए हमने पाई माइनस पाई अपॉन थ्री लिखा है, ठीक है।
और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू की जो हमारा क्वेश्चन था उसकी कितनी हो गई फिर ये टू पाई अपॉन थ्री हो गई, क्योंकि ये टू पाई अपॉन थ्री आएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, ये टू पाई अपॉन थ्री कॉस टू पाई अपॉन थ्री। तो यहाँ कॉस वाई बराबर कॉस टू पाई अपॉन थ्री है तो क्या आ गई, टू पाई अपॉन थ्री आ गई वैल्यू, और ये जीरो से पाई बिलोंग कर रही है। अगला क्वेश्चन है टेन, देखिए वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स रूट टू है तो कोसेक वाई इक्वल टू माइनस रूट टू हो जाएगा। कोसेक नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो कोसेक इनवर्स जो आप नेगेटिव जानते हैं कि जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है। तो हमने यहाँ पर ये देखना है पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोसेक इनवर्स की क्या है, ये है ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको नेगेटिव रखना है, नेगेटिव ही रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने जो इसकी ब्रांच देखी तो वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ रही है, जो कि 90 के प्लस 90 और माइनस 90 के बीच में है। इसलिए हमने इसको कर दिया कोसेक माइनस थीटा, क्योंकि माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू की क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, कितनी आ गई ये पाई बाई फोर ठीक है, और विद साइन लग जाएगा। तो आपको माइनस साइन लगाना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11, इसमें देखिए तीन कन्वर्स फंक्शन दे रखे हैं, उनको कंबाइन कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने पहले किया आप तो वैसे करते जाइए, बस ये ध्यान रखें कंबाइन कर रखे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि टेन इनवर्स में टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर के बराबर होता है, क्योंकि वन कब होता है टेन में, जब टेन पाई बाई फोर होता है, टेन 45 पे वैल्यू वन होती है। अब टेन इनवर्स वन बराबर ये क्या हो गया पाई बाई फोर हो गया ठीक है, तो इसकी वैल्यू पाई बाई फोर आ गई। अब सिमिलरली कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन कोस इनवर्स माइनस कोस 60 हो गया। अब यहाँ पर जो है सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि ये जीरो से पाई इसका वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये पढ़ चुके हैं ठीक है। आप तो ध्यान रखें कोस कोट और दूसरा जो आपको बताया मैंने एक जो है सेक है उसका ध्यान रखना है। तो ये कोस इनवर्स कोस पाई माइनस टू अपॉन थ्री आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है वन अपॉन टू की वैल्यू जो है कितने पर होती है 30 पर होती है। अब ये इसकी जो ब्रांच है वो क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो इसको आपको क्या करना है यहीं रखना है इसी को इसी में ही। तो यहाँ पर माइनस पाई बाई सिक्स अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रही है। अब इन वैल्यूज़ को जो हम निकाली इक्वेशन टू में और थ्री में और फोर में, इनको वहाँ कहाँ डाल देंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए तीनों हमने डाल दिए ठीक है। अब इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐड करने पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यूज आ गई, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 जो है उसके कॉन्सेप्ट और दोनों एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज दोनों पूरे हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, खुद सेल्फ प्रैक्टिस करिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरीज है तो बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, थैंक यू।